हेलो गाइस, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में पीएस मान के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जल का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको इसका आंसर देना है 7। जल का पीएच मान 7 होता है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स आइए हमारे नीचे क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों हमारा दूध का पीएच मान 6.4 होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे दूध का पीएच मान पूछा जाए तो आप इसका आंसर 6.4 करेंगे, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सिरके का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपका 7.4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नींबू के रस का पीएच मान। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसका आंसर आपका 2.4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अपना इस वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, NaCl का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 7, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका आंसर आपका हो जाएगा सारेनस ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पीएच जो होता है वो मूल्यांकन क्या दर्शाता है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना। फ्रेंड्स जो पीएच मूल्यांकन होता है वो किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 से कम। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 7। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, शराब का पीएच मान। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शराब का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर आपका 2.8 हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आरबी में पूछा गया था क्वेश्चन ये, इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.2, ठीक है गाइज। हमारे इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 4.8 से लेकर 8.4 तक, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 8.5, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंसू का पीएच मान। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर आपका 7.4 हो जाएगा, ठीक है गाइस। दोस्तों हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानस लार का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 6.5 से लेकर 7.5 तक, ठीक है फ्रेंड्स। आज का हमारा क्विज प्रश्न देख लेते हैं, भारत ने एशियाई गेमों में 2018 कुल कितने पदक हासिल किए। फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट में देना है कि आपका आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, जो लोग मेरे चैनल अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।